प्यारे साथियों, आज की क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोगेशन। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोगेशन। आप जैसा कि जान ही रहे हो कि इस समय टीजीटी, पीजीटी और पिट परीक्षाएं होने वाली हैं, और इन्हीं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं, जो और भी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो थोड़ा रेशियो और प्रोपोगेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इन पर रिलेटेड सवाल लगाते हैं, मजा बहुत आएगी। ध्यान दीजिएगा, अनुपात, अनुपात या जिसको अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, क्या चीज है ये? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही दोनों संख्याओं का अनुपात होता है। कहने का मतलब a भागे b को शॉर्ट में a अनुपात भी लिखा जाता है। और अगर हम लोग a अनुपात b का मान जानना चाहें, वैल्यू जानना चाहें, तो इसे हम a बटा b कहते हैं। तो दो संख्याओं के अनुपात से तात्पर्य है कि उन संख्याओं का आपस में भागफल, वही जो है उन संख्याओं के लिए अनुपात कहलाता है। बच्चों, अनुपात से संबंधित कुछ शब्दों को आपके सामने रखता हूं, जिससे आप अगर कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाले पा जाओ तो तुरंत लगा लो। तो थोड़ा कुछ सीखिए अनुपात से संबंधित कुछ बातें। जैसे बच्चों, पहला हम आपको बता रहे हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात, कभी किसी अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात पूछे तो पदों को आपस में चेंज कर दीजिए, मतलब ए अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात, ए अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात बी अनुपात ए। बहुत ही सरल है, आसानी से आप बता सकते हो। ऐसे ही बच्चों, दूसरा है वर्गानुपात। किसी अनुपात का वर्ग अनुपात अगर पूछे, कहे ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात बताओ, तो इन अनुपातिक संख्याओं का स्क्वायर कर दो। तो ए अनुपात बी, नाम से ही परिभाषाएं जो है बन जा रही है, वर्गानुपात बराबर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ऐसे ही कहे अगर इन संख्याओं का वर्गमूला अनुपात, कभी किसी अनुपात का वर्गमूल अनुपात पूछे, वर्गमूला अनुपात, तो वर्गमूला अनुपात आप समझ रहे हो कि जिस संख्या का वर्गमूला अनुपात पूछे उन संख्याओं का वर्गमूल ले लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा वर्गमूला अनुपात बराबर अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ऐसे ही अगर कहे घनानुपात, सेम इसी तरह से बच्चों, ए अनुपात बी का घना अनुपात, ए अनुपात बी का घना अनुपात, घन अनुपात पूछे तो ए घाते तीन कर दो अनुपात का चिन्ह लगाकर, बी घाते तीन कर दो। अगर घनमूला अनुपात पूछे कि ए और बी का घनमूला अनुपात बताओ, तो बच्चों ए अनुपात बी का घनमूला अनुपात आप जान जाइए घनमूल के अंदर ए और अनुपात घनमूल के अंदर बी। आप देख रहे हो बेटा, सूत्र जो है बता दे रहे हैं, बड़े सरल लग रहे हैं, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब आ जाएगा कह देगा दो अनुपात तीन का वर्गमूल अनुपात बताओ, तो जब आपको पता रहेगा, जब आपको सूत्र बताया रहेगा, तभी तो कर पाओगे। तो ये खट से वर्गमूला अनुपात आपका आ जाएगा।
तो ये आप वर्ग अनुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात और घनमूलानुपात निकाल लोगे। ऐसे ही बच्चों हमसे कभी कभी कहता है योग अनुपात बताओ। देखिए जरा, योग अनुपात साथियों जैसे कह दे ए अनुपात बी व सी अनुपात डी का योग अनुपात बताओ, योग अनुपात बताओ। तो बहुत ही सरल, पहले पहले पदों को जोड़ लें और दूसरे दूसरे पदों को जोड़ करके अनुपात निकाल लें, योग अनुपात। ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी, ये हमारा योगानुपात होगा। ऐसे ही बच्चों अगर कहे अंतर अनुपात बताओ, तो यहां देखो जरा, अंतर अनुपात अगर बच्चों ए अनुपात बी का सी अनुपात डी के साथ अंतर अनुपात पूछे, अंतर अनुपात अगर इसका अंतर अनुपात पूछे, तो यहां बच्चों ए माइनस सी अनुपात बी माइनस डी। ऐसे ही बच्चों अगर जो है हमसे कहे योग अंतरानुपात, योग अंतरानुपात, तो ए अनुपात बी का योग अंतरानुपात अगर पूछे, योग अंतरानुपात तो एक बार दोनों जोड़कर दोनों का अंतर से अनुपात, उनके योग का उनके अंतर से अनुपात योग अंतरानुपात कहलाएगा। बहुत ही प्यारा अनुपात और है सम्मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात या सम्मिश्र अनुपात। बच्चों ए अनुपात बी, बी सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्रित अनुपात यदि पूछे, मिश्रित अनुपात बताइए। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्रित अनुपात यदि पूछे, तो सभी संख्याओं के पहले नंबर को आपस में गुणा और दूसरे नंबर को आपस में गुणा, इसी को हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। ए सी ई पहले पहले का गुणा, बी डी एफ दूसरे दूसरे गुणा का अनुपात निकाल ले, तो मिश्रित अनुपात। जय संख्याएं जय अनुपात दिए हों सबके पहले पहले नंबरों का गुणा और अंतिम अंतिम नंबरों का गुणा कर दें, तो यह हमारा मिश्रित अनुपात आ जाता है। अब बच्चों आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखने जा रहे हैं, प्रोपोगेशन, समान अनुपात या समानुपात, समानुपात प्रोपोगेशन। गौर से देखिए जरा, प्रोपोगेशन या समानुपात, जब दो अनुपात आपस में समान हो तो वे एक दूसरे के समानुपात या प्रोपोगेशन कहलाते हैं। और बच्चों यदि ए अनुपात बी का मान सी अनुपात डी के बराबर हो तो इन्हें ही समानुपात कहा जाता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। दो ऐसे अनुपात जिनके मान आपस में समान हो उन्हें ही हम समानुपात या प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन की दो शर्तें हैं, समानुपात की दो शर्त, इन्हें हम समानुपात के सूत्र भी कहते हैं। समानुपात की शर्त, पहली शर्त है कि अगर चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपाती हैं तो उनका क्रमागत अनुपात समान होगा, मतलब ए और बी का अनुपात सी और डी का अनुपात बराबर होगा तो वे संख्याएं आपस में क्या होंगी, समानुपाती। और ये पहली शर्त है समानुपात होने की। दूसरी शर्त में एक शब्द याद करिए, 14 32 और 32,
बराबर होने चाहिए, माने पहले और चौथे का गुणा ए गुणे डी, तीसरे दूसरे का गुणा बी गुणे सी अगर बराबर हो। चार संख्याएं अगर जो है कहे चेक करो समानुपात में है, तो हम उन्हें दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर पहली और दूसरी का अनुपात निकालें, तीसरी और चौथी का अनुपात निकालें, ये अनुपात आपस में बराबर हो तो वे संख्याएं समानुपाती कहलाती हैं। और बच्चों अगर जो है समानुपाती संख्याएं, और भी एक तरीका चेक करने का कि पहली और चौथी का गुणा तीसरी और दूसरी के गुणा के बराबर आए तो भी वो चारों संख्याएं समानुपाती होती हैं। यह एक विशेष बात बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। समानुपात की विशेष बात, दो बातें तो आप जान गए कि पहली दोनों संख्याओं का अनुपात दूसरी दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर हो तो समानुपाती होगी। दूसरी बात जान गए पहली और चौथी का गुणा तीसरी और दूसरी के गुणनफल के बराबर होगा। और एक बात बता दे रहे हैं कि ए बी सी डी अगर समानुपाती हो, समानुपाती हो तो कभी कभी हमसे कहता है प्रथमानुपात बताओ, द्वितीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, चतुर्थी अनुपात बताओ, कभी कभी। तो बच्चों अगर हमसे प्रथमानुपात पूछे, प्रथमानुपाती संख्या, द्वितीय अनुपाती संख्या, तृतीय अनुपाती संख्या, चतुर्थी अनुपाती संख्या, लेकिन यहां एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कभी कभी बेटा तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती अलग तरीके से लगते हैं। तो ये जो तरीका बताने जा रही है तभी इस्तेमाल करना जबकि आपको कहे कि निम्न चार संख्याओं के लिए या किन्हीं चार संख्याओं के लिए तृतीय अनुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ, प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीय अनुपाती बताओ, ये आपसे कहे। चार संख्या की चर्चा उसमें जरूर करे तभी ये ऐसा लगेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं लगेगा। चार संख्या जरूर करे तभी जो है हम ये चीज का प्रयोग करेंगे। तो जब चार संख्याओं के लिए ये नियम है, चार संख्याओं की चर्चा सवाल में हो, क्वेश्चन में आपसे प्रथमानुपाती पूछे, इसका मतलब जान लेना वो ए पूछ रहा है, और अगर द्वितीय अनुपाती पूछे तो जान लेना वो किसका मान जानना चाहता है, बी का। तृतीय अनुपाती पूछे तो इसका मतलब सी का, और चतुर्थी अनुपाती पूछे तो डी का मान जानना चाहता है। और जान रहे हो चार संख्याएं जब समानुपाती होती हैं तो ए डी बराबर बी सी, इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो ए का मान जानना चाहे तो बी सी बटा डी, आप समझ गए कि दूसरी गुणे तीसरी बटे चौथी तुरंत जो है, जैसे कह दे कि एक्स तीन पांच सात समानुपात में है, एक्स का मान बताओ या प्रथमानुपाती बताओ, तो बस इसे एडी बराबर बीसी से बीसी बटा ए दूसरी गुणे दूसरी बटा चौथी। ऐसे ही अगर दूसरी पूछे तो आप जान रहे हो इसी फार्मूले से एडी बटा सी, माने पहली गुणे चौथी बटा तीसरी, और सी पूछे तो सी का मतलब एडी बटा बी, और डी पूछे तो BC बटा A। इन सूत्रों का प्रयोग करके प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती किन्हीं चार संख्याओं के लिए निकाल लेंगे। यहां BC बटे D का मतलब आप समझ रहे हो कि दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे चौथी, AD बटा C का समझ रहे हो मतलब पहली गुणे चौथी बटे तीसरी, एडी बटा बी का मतलब पहली गुणे चौथी बटे दूसरी, बीसी का मतलब दूसरी गुणे तीसरी बटे पहली। ये इस तरह से किन्हीं चार संख्याओं के लिए जो है हम लोग प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थी अनुपाती ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। और देखो बच्चों
जो कंडीशंस में पूछे जाते हैं उन पर समझो। मध्यानुपाती कभी कभी पूछता है, मध्यानुपाती, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, इसका मध्यानुपाती बताना है, ए और बी का मध्यानुपाती निकाल कर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिएगा। ए व बी का मध्यानुपाती मतलब ए और बी के बीच में कोई गिनती है उसे बताओ। तो हम मान लेते हैं ए बी के बीच में यक्स है, तो मतलब ऐसे मान ले ए यक्स बी, और ये अनुपात में है, अगर अनुपात में है तो आप समझ रहे हो कि पहले का दूसरे से अनुपात बराबर दूसरे का तीसरे से अनुपात। इसको सरल करेंगे तो a बटा x बराबर x बटा b, तिरछा गुणा कर दीजिए x स्क्वायर बराबर ab, तो x बराबर अंडर रूट ab। तो ये एक डायरेक्ट सूत्र आ गया, सूत्र निकाल दिए। हम लोग सवाल लगाते समय सूत्र के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमसे कहे a व b का मध्यानुपाती बताओ, a व b का मध्यानुपाती बताओ, तो अगर ए और बी का मध्यानुपाती बताना है तो आप जान लीजिए अंडर रूट ए बी, डायरेक्ट इसका सूत्र हो गया मध्यानुपाती का। ऐसे ही जैसे मध्यानुपाती निकालते हैं आप लोग बेटा, उसी तरह से वितत अनुपात पूछता है, तो वितत अनुपात का भी यही मतलब होता है। अगर हमसे कहें कि वितत अनुपात बताओ, वितत अनुपात, तो यही मतलब ये भी होता है। ए व बी, ए व सी बी जो भी रहे, अगर तीन संख्या रहे तो इसका मतलब जो है हमसे सी वाला बी वाला पूछ रहा है, तो ए बी सी का वितत अनुपात, तो हम जानते रहेंगे बी बराबर अंडर रूट ए सी, बीच की संख्या वितत अनुपाती होगी अंडर रूट ए सी, वही मध्यानुपाती की तरह सूत्र है। ऐसे ही बच्चों एक और कभी कभी मध्यानुपाती पूछता है, कभी कभी वितत अनुपाती, कभी कभी तृतीय अनुपाती पूछ लेता है। तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो इसका मतलब बच्चों केवल हमें अनुपात तीन संख्या के पक्ष में ही रखना है। तो देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, ये निकालना इसलिए सिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए सूत्र भूल जाओ तो आप निकाल तो लोगे सूत्र। तृतीय अनुपाती, गौर से देखिएगा, लिखा है तृतीय अनुपाती बताओ, आप खुद समझो कि तृतीय अनुपाती माने केवल तीन संख्या में अनुपात कह रहा है, यहां चार संख्या नहीं दिया है। तो हम जो है ये जान गए कि अगर ए बी सी अनुपात में है, किसमें है बच्चों, अनुपात में, तो जब तीन संख्याएं अनुपात में है तो इसका मतलब ए का बी से अनुपात और बी का सी से अनुपात बराबर होगा, और इसका मतलब जो है ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तिरछा गुणा कर दें ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। साथियों यहां ये सी ही तृतीय अनुपाती, तीसरा अक्षर सी ही है, सी का मान आ गया। तो अगर कोई जो है तृतीय अनुपाती हमसे पूछे तो हमको समझ में आ जाना चाहिए तीसरी संख्या पूछ रहा है। सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए, डायरेक्ट निकाल दिए, लेकिन आया कैसे ये जान गए आप कि जैसे कह दे पांच और चार का तृतीय अनुपाती बताओ, तो हम जान जाएंगे पांच चार के बगल कोई गिनती यक्ष है उसे ही पूछ रहा है, और यक्ष का मतलब होता है बी स्क्वायर बटे ए, माने चार का स्क्वायर बटे पांच, तुरंत तृतीय अनुपाती आ जाएगा पांच और चार का। तो तृतीय अनुपाती निकालना रहे बी स्क्वायर बटा ए सूत्र याद रखेंगे, तृतीय अनुपाती आ जाएगा। कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं और देखिए उनका सोल्यूशन कितने इजी वे में होता है। साथियों मैं आपके सामने ऐसा प्रश्न रखने जा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। जैसे दे देता है ए अनुपात बी बराबर चार अनुपात तीन व बी अनुपात सी बराबर पांच अनुपात सात, तो इस तरह का क्वेश्चन दे करके दो तरह से पूछता है, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है।
कभी पूछता है बच्चों ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का मान बताओ। और कभी तीनों इकट्ठा करके पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। दो तरह के प्रश्न हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है, टेक्निकल है, ये तो एकदम सरल है। देखो बच्चों, जब कई अनुपात दे करके छोटा अनुपात पूछता रहे तो आप जितने अनुपात दिए हो सबका गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर एक छोटे पूछ रहा है 2 दिया है, तो आपस में गुणा कर लीजिए, ए गुणे ए बटा बी गुणे बी बटा सी, और यहां 4/3 गुणे 5/7 दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब छोटा पूछता रहे तो दोनों का आपस में, तीनों का, 3 दिया होता 3 गुणा कर लेते, 4 दिया होता अनुपात तो 4 का आपस में गुणा कर देते। तो ये 20 से भी कट गया, ए अनुपात सी आ गया, कट से 20/21 आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको लगाने के लिए एक टिप्स है। टिप्स क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ देखो बेटा, ए अनुपात बी बराबर 4/3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 5/7 हमसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो इसकी भी टिप्स है, एक ही लाइन में इसको भी मैं लगाऊंगा। देखो जरा समझिए, ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, छोटा छोटा दे के बड़ा पूछे तो उन्हें पहले बराबर कर लिया करो। बराबर कैसे? देखो LHS में बी और बी बराबर है, तो RHS में भी बी और बी बराबर होने चाहिए। नहीं समझे? यहाँ ए और बी है तो यहाँ बी और सी, माने इसमें भी बराबर है, इसमें यहाँ तो 3 है यहाँ तो 5 है, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए दोनों में त्रिज्या गुणा कर दिया करिए, मतलब 5 का गुणा पहले अनुपात में और 3 का गुणा दूसरे अनुपात में। 5 का गुणा पहले अनुपात करें, 5 + 20 5 × 3 = 15 हम इसको ये चीज लिख सकते हैं। 3 से गुणा करें, 3 × 15 = 3 × 21। अब साथियों देखो, बी और बी यहाँ बराबर है, यहाँ भी 15 और 15 बराबर हो गया, और अब हमारा रिलेशन आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि हम जानना चाहते हैं तो ए का मान हमारा 20 है, बी का मान हमारा 15 है, और सी का मान हमारा 21 है, आंसर आ गया। तो खट से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका है, और ये खट से ए और सी का तरीका है, बहुत ही मजेदार तरीका है, आप सभी लोग समझ गए। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और परीक्षाओं में पूछा गया है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, तो आपको 6, 7, 8 दिया हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ ये जो अनुपात दिया है इसको थोड़ा खूबसूरती से लिख दें, ए प्लस बी बराबर 6 के, बी प्लस सी बराबर 7 के, और सी प्लस ए बराबर 8 के। ऐसे ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए में अनुपात दिया था, इसको मान ले 6 के, इसको 7 के, इसको 8 के, जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ेंगे तो ए और ए 2 ए, 2 बी, 2 सी, 2 का मान ले लेंगे 7, 6, 13, 8, 21 के। और साथियों ए धन बी धन सी की जगह हम 14 अगर लिख दें बराबर 21 के, तो अपने आप की का मान आ जाएगा 2 × 14/21, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 4/3, ये हमारा के का मान है। के का मान हम सब में रख दे तो हमारे पास 3 समीकरण बन जाएंगे, और सबकी वैल्यू से जो चीज पूछे निकाल सकते हैं। थोड़ा यहां देखिए, ए धन बी धन सी आपके सामने लिखा हुआ है 21/2 के, ये समीकरण 4 है। हम थोड़ा जल्दी में लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सी का मान बताओ, किसका मान बताओ, सी का, तो ए और बी हटा दे, तो ए और बी वाला इक्वेशन इसमें घटा दो, ए प्लस बी बराबर 6 के घटा दो, ए से कट गया, बी बी कट गया, सी बराबर 6 × 2 = 12 के, इसमें 12 गए 9/2 के, इधर ओके 2 × 6 = 12 गए 9/2 के का मान ऑलरेडी आया हुआ है 4/3, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 4, तो इस प्रकार सी बराबर 6 आ गया, हमसे सी का ही मान पूछ रहा था। एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा है मैंने,
फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर अनुपात दो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर बराबर 12:19, तो एक्स अनुपात वाई का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों प्रश्न लेकर चल रहे हैं, चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन वाई स्क्वायर अनुपात मतलब बटे दो एक्स स्क्वायर धन पांच वाई स्क्वायर बराबर 12:19। तिरछा गुणा कर देंगे सिंपली, 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर, 57 वाई स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर, 60 वाई स्क्वायर। एक्स वाला पद एक तरफ, वाई वाला पद एक तरफ, 76 में 24 गए 6, 4 गए 2, 7 से 2 गए 5, 52 एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा 6 5 11 117 वाई स्क्वायर। हम सभी को पहाड़ा आता है, 13 से भाग दे दे दोनों तरफ, 13 चौक 52, 13 9 117, दोनों तरफ वर्गमूल ले ले, 2x = 3y, तो x/y = 3/2। ये बच्चों आंसर आ गया, ऐसे दिया है 3x = 5y, एक क्वेश्चन आपके सामने 3x = 5y तथा ध्यान दीजिएगा 2y = 3z, 2y = 3z, तो x अनुपात z में संबंध बताओ या मान बताओ। तो यहां देखिए जरा गौर से, 3x = 5y, तो x/y = 5/3, ऐसे ही बच्चों 2y = 3z माने y/z = 3/2, दोनों का आपस में गुणा कर दे, तो गुणा कर दे जब x/y (y/z) = 5/3 (3/2, वाई वाई कट गया, एक्स अनुपात जेड यहाँ 5:2, ये आंसर आ गया। तो ऐसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती में अनुपात बताओ। बच्चों 12 व 30 का तृतीय अनुपाती और 9 और 25 का मध्यानुपाती में अनुपात, तो आप जान रहे हो अभी अभी तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती का सूत्र बताया था, मध्यानुपाती सूत्र बताया था अंडर रूट ab, तृतीय अनुपाती सूत्र बताया था b² / a, तो b² / a, (9)/3 (25)/5 (9)/5 = 180 (180 × 5 = 5:1, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 3:4 का अनुपात हो जाए। देखो बच्चों 15 और 19 में क्या घटाएं हर पद से कि 3:4 बन जाए। तो देखो हम एक्स मान लें, 15 में से एक्स घटा दे और 19 में से एक्स घटा दे, लेकिन अनुपात हमारा क्या बन जाए, 3:4। हल कर ले इसी का तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ गांव से देखिए 15 चौक 60 - 4x - 19 = 57 - 3x, इधर आएगा -x, इधर जाएगा 57 में 60 - 3, x = 3। अगर हम इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से 3 घटा दें तो हमारे पास जो है पक्का पक्का उन संख्याओं का अनुपात 3:4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है a/b = c/d, तो
एम ए प्लस एम सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान बताओ। चलो देखते हैं बच्चों, हमको ए बटा बी बराबर सी बटा डी दिया है, एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी पूछ रहा है। देखिए जरा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी ये दिया हुआ है और एम बी एन डी एम ए एन सी पूछ रहा है। तो यहां देखिए जरा, ए अपान बी बराबर सी अपान डी, इसको हम लिख सकते हैं ए बटा सी बराबर बी बटा डी। अब बच्चों ऊपर सी का मान ले लें, एम ए अपान सी प्लस एन, नीचे डी का मान ले लें, ऊपर सी का मान ले लिए नीचे डी का मान ले लिए। तो गौर से देखिए, सी अपान डी वैल्यू ए अपान बी है, इसको ए अपान बी हम लिख दिए। अंदर देखिए एम गुणे ए अपान सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी अपान डी प्लस एन लिखा है, नीचे बी अपान डी प्लस एन लिखा है, ये दोनों कट गए, आंसर हमारा ए बटा बी आ गया। ध्यान दीजिएगा, ए बटा दो बी बटा तीन सी बटा पांच, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और बच्चों हम एक बात ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर कोई सवाल हमें मिलती है हमारे सामने आती लगाने को, तो किसी सवाल को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें उस तरीके को चॉइस करना चाहिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड हो, माने जो कम से कम समय में आंसर दे दे और जल्दी से घुस भी जाए खोपड़ी में। इस प्रश्न को लगाने का भी बहुत ही इजी तरीका, नियम से लगाएंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन हम एकदम इजी तरीके में लगा रहे हैं। देखो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान पूछ रहा है, नियम से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, एक लाइन में आंसर। ए की जगह दो लिख दो, बी की जगह तीन लिख दो, सी की जगह पांच, जहां जहां हो ऐसे लिख दे, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता। तीन दो पांच, पांच दस बटा पांच माने दो, इससे छोटा तरीका नहीं।